हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं खाने की खीर। ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं, तो आप इसे व्रत में या कभी मीठे खाने का मन किया तो आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट ये खीर बनकर तैयार होते हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें एक चम्मच करीब देसी घी डालेंगे। फ्रेंड्स, घी डालने से काफ़ी खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बादाम और पिस्ता है, तो ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के आप ऐड कर सकते हैं। हल्का इसे फ्राई कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर हल्का इन्हें फ्राई कर लिए हैं गोल्डन ब्राउन होने तक, और आप देख सकते हैं ये भून चुके हैं। बस इन्हें निकाल लेंगे और इसी फ्राई पैन में वापस एक चम्मच के करीब देसी घी लेंगे और इसमें कुछ किशमिश डाल लेंगे और इसे भी हल्का भून लेंगे। तो मैंने यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं और किशमिश भी भूनकर तैयार हो गए हैं, तो इन्हें भी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी के करीब मखाने लिए हैं, तो इन्हें भी भूनकर हल्का क्रिस्पी कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से मखाने की खीर बनाकर ट्राई करिएगा। चावल की खीर से काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होते हैं। और ये लीजिए, मखाने भूनकर रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए, बस इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पर लेंगे एक सस्पेन, आप कोई भी बर्तन भारी तले वाला ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिए हैं। पानी डालने से दूध नीचे की तरफ पकड़ते नहीं हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg दूध लिए हैं, आप अपने मखाने के हिसाब से यहाँ दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक उबाल आने देंगे इसमें, तो यहाँ पर एक उबाल आ गए हैं, तो इसका सारे मलाई हटाते हुए दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि खीर मलाई से ही क्रीमी, रिच और रबड़ीदार बनकर तैयार होते हैं, इसलिए सारे मलाई को हटाते हुए दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हुआ है क्योंकि हमें और गाढ़ा चाहिए, तो गैस का फ्लेम मीडियम और हाई करते हुए बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। और यहाँ पर मखाने भी ठंडे हो गए हैं, इसे भी पीस लेते हैं। यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और सारे मखाने डाल लेंगे और इसे पीस कर दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर दूध भी पहले से काफ़ी गाढ़े हो गए हैं और कम भी हो गए हैं, तो इसे फिर से चला लेंगे और इसमें पीसे हुए मखाने डाल लेंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मखाने डालने के बाद ये काफ़ी गढ़े हो जाते हैं, तो हमें इस स्टेज पे ही मखाने डालना है, ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। और यहाँ पर चीनी डाल लेंगे, तो चीनी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, इसे शुगर फ्री भी आप बना सकते हैं। चीनी को करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कच्चे नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं, तो इसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि हमारे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया था। अगर आपके पास नारियल है तो ज़रूर डालिएगा, खीर का काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग खीर बनकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले से ठीक और गढ़े हो गए हैं। तो कम समय और कम मेहनत में खीर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे जो फ्राई करके रखे थे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिए हैं और थोड़ा सा रख दिए हैं गार्निश के लिए। अब इसमें 2 से 3 इलायची को कूट कर डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इलायची को कूट कर डालिए हैं, तो छिलका सही डाले हैं, आप छिलका हटा भी सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, खीर बनकर रेडी हो गए हैं, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे रोटी, चपाती या पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी खीर बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।